रोजगार की बात की है गांधी मैदान से, उन्होंने कहा कि 10 लाख और रोजगार हम देने का काम करेंगे। गांधी भी आरोप लगाया है तो पहले दे दें उसके बाद बात करें, आरोप तो लगता रहता है। तो 10 लाख रोजगार दें, 20 लाख दें। लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों के राज्य में कोई काम नहीं हुआ, हमने कितना काम कर दिया, सीधे निशाना आप लोगों के परिवार पर लगाया गया। वीडियो निकाल लीजिए कितना काम हुआ है, वो तो साथ में ही रह करके हम लोग काम किए थे गठबंधन में जब सरकार थी। तो ये बात तो छुपा नहीं सकते ना कि गांधी मैदान में जो हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिया था वो तो वीडियो में आप ही लोगों ने न्यूज़ पर चलाया है। अनंत सिंह को पैरोल में भाषण में इस मुद्दे को उठाते थे कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने 20,000 करोड़ रुपया जो देश के परिसंपत्तियों को खरीदने का काम किया, चाहे वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, रेलवे हो, सब जो पब्लिक सेक्टर में हम लोगों के बुजुर्गों ने, हम लोगों के लोगों ने जो परिसंपत्ति देश की खड़ा की थी उसको भी खरीदने का काम हो रहा है और इसका निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया है, अभी 2 दिन पहले खड़गे, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल जी ने पूरे देश भर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों को बुलाकर प्रभारियों की सभा में उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जांच होनी चाहिए और अदानी जैसे लोगों को सलाखों के पीछे आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से शेयर का प्राइस बढ़ा के और लोगों को चूना लगाने का काम हो रहा है उसका निश्चित रूप से जांच करके और दूध का दूध पानी का पानी लोगों को जानने का ये अधिकार है, इसलिए ये काम करना है। और 22 तारीख को प्रदेश से कार्यक्रम निर्गत होगा और उस दिन सभी देश भर के सभी राजधानी में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करने का कांग्रेस पार्टी ने फैसला लिया है, आदरणीय खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने फैसला लिया है। उसको भी जिस तरह से अभी तक हम लोग सारे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक चलाने का काम किया है, उस दिन भी हम आप सभी लोगों से, सभी कांग्रेस कर्मियों से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि बड़ी संख्या में कम से कम 10,000 की उपस्थिति हो और वो प्रदर्शन करके और मोदी सरकार को हम लोग यहाँ से सूचित करने का काम करें कि अब आपका नहीं चलने वाला है। और खास करके राहुल जी के LOP बनने के बाद उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो स्थिति बनी है, आप लोग भी TV के माध्यम से देखते होंगे, हम लोग भी हाउस में देखते हैं कि अब वो 56 इंच का सीना उनका पता नहीं कहाँ चला गया और जो बॉडी लैंग्वेज जो पहले उत्साहित नजर आते थे अब हतोत्साहित नजर आते हैं। कांग्रेस के सामने लगता है कि घुटना टेकने वाले हैं, इस तरह का वातावरण देश में बना है। इसलिए हम फिर से इस स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी कांग्रेस कर्मियों को न केवल बधाई और शुभकामनाएं देते हैं बल्कि संकल्प लेने के लिए भी कहते हैं कि पूरी मजबूती से देश के जमहूरियत के लिए, संविधान बचाने के लिए और देश में जनता का शासन हो इसके लिए लड़ाई का मार्ग प्रशस्त करें, लड़ाई का हिस्सा बने। यही कहते हुए आप सभी को पुनः स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।